नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 14 से 16 जून के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्री मानसून और मानसून को लेकर भी अच्छी खबर दी है। मानसून अब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य प्रदेश, आंतरिक ओडिशा, पंजाब के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू चलने की चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 14 जून से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा और प्री मानसून की जो बारिश है वो होना शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान मौसम में परिवर्तन आएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में मौसम ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान तक बादलों का सिस्टम और हल्की आंधी आज भी जारी रहेगी। हीट वेव के कोर जोन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर लगातार भीषण गर्मी पड़ेगी। बिहार में 2 दिनों तक गर्मी पड़ेगी, उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। पहाड़ी राज्यों के लोग भी गर्मी से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के लिए कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काली पीली आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और झारखंड में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। गंगा के तटीय इलाकों, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में भी लू चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के ऊपर औसत समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊपर एक परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ जो है मौसम बदलेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का जो दौर है वो भी देखने को मिल सकता है। तो तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं, आपके यहाँ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बेहद धन्यवाद।